आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। वास्तविक डिजाइन संस्कृति विकसित करने के मिशन के साथ सेकेंडअप डिजाइन स्टूडियो द्वारा बनाए गए 3000 डिजाइनरों का एक समूह सैंड स्केटी 6 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित मीटअप 2.2 कार्यक्रम डिजाइन अनफिल्टर्ड की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम देश भर के डिजाइनरों और रचनात्मक व्यक्तियों के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव बनाने का वादा करता है। सैंड स्केटी रचनात्मक व्यक्तियों का एक समूह है और इसे डिजाइनरों को चर्चा करने, सीखने, उनके रचनात्मक दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने और एक वास्तविक डिजाइन संस्कृति का निर्माण करने के लिए एक साथ लाकर समुदाय को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। सैंड स्केटी का लक्ष्य डिजाइनरों को बढ़ावा देने के लिए एक कंसोर्टियम बनाने के साथ साथ डिजाइन समुदाय के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर भारत को विश्व स्तर पर डिजाइन उत्कृष्टता के मामले में सबसे आगे ले जाना है। पेशे अहमदाबाद से नीता लिम्बाचिया की खास रिपोर्ट। इस बार आप संस्कृति 2.2 का आयोजन करें जी, दोनों में क्या डिफरेंस है और कितने लोग इसमें इस बार पार्टिसिपेट करते हैं? पहले हमने 2.0 मीटअप डिजाइनर मीटअप का आयोजन किया था जिसमें करीब 250 पार्टिसिपेंट फिजिकली आए थे और काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ऑनलाइन जुड़े थे। पहले वाले मीटअप में हमें काफ़ी सारे लोगों से रिव्यू मिला, काफ़ी सारे प्रस्पेक्टिव मिले, जो भी हम 2.2 वाले मीटअप में उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे इंडिया से कई सारे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे दिल्ली से हैं, बैंगलोर से हैं और बाहर से भी कई लोग आ रहे हैं, जो लोगों डिजाइनर्स को एक नई पर्सपेक्टिव दे सके और डिजाइन क्षेत्र में उन्हें ग्रोथ करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए टिप्स भी देंगे। अभी वैसे तो पूरी कम्युनिटी में 3500 डिजाइनर्स तो जुड़े हुए ही हैं जो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर डेडिकेटली अगर आप बात करें तो हमारे साथ 50 डिजाइनर्स ऐसे होंगे जो डेडिकेटली कम्युनिटी के लिए ही काम करते हैं और कंटिन्यूस बेसिस पे अवेयरनेस प्रोग्राम को के थ्रू लोगों में डिजाइनर का डिजाइन का नॉलेज शेयर करते हैं। इसको वापस कर लेंगे। थैंक यू सर।